तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए बेबलेट बैटल वीडियो में। और दोस्तों आज मैंने अल्टीमेट वेलक्रिक आई मीन जो फेक वाला अल्टीमेट वेलक्रिक का जो प्लास्टिक का टिप आता है वो हमारे गैलेक्सी पैकेसिस के अंदर में से फिट कर दी। और गाइस इसके अंदर फिट करने के बाद मैंने सिर्फ दो ही बार इसका स्पिन टेस्ट किया था, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए इसका बैलेंस अच्छा है या नहीं। और अभी तक मैंने किसी बेबलेट के साथ इसका बैटल टेस्ट नहीं किया तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि बाकी बेबलेट्स के साथ ये किस तरह से परफॉर्म करेगा हमारा ये वाला टिप वाला बेबलेट। और गाइस आपको क्या लगता है कि ये जो टिप है ये वर्स्ट टिप है बेस्ट टिप है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चले बैटल शुरू करते हैं। तो चले दोस्तों बैटल शुरू करते हैं, 3-2-1 लेट्स गो। अरे काफ़ी अच्छे टक्कर हो गए थे स्टार्टिंग से, पर ये रॉकलोन बाहर चला गया था पर फिर से आ चुका है स्टेडियम में। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यह वाली टिप मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा स्टेमिना खाता है और फ्लावर पेटल भी एकदम बकवास है। तो दोस्तों इस बारे में बेबलेट को एक एक करके लॉन्च कराना, क्योंकि दोस्तों दोनों साथ में फ्लावर पेटल में अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक करके लॉन्च करना पड़ेगा। 3-2-1 लेट्स गो। अरे वाह, और यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर पेटल में लॉन्च किया था पर ये वाली टिप लगता नहीं कि इतने अच्छे से फ्लावर पेटल में हो पाएगा, मतलब फ्लावर पेटल में हो तो सकता है पर जब हाई स्पीड में हो तो फ्लावर पेटल इतने अच्छे से नहीं होता है, स्लो स्पीड में भी फ्लावर पेटल अच्छे से हो पाता है। और यहाँ पर काफ़ी इजीली जीते हुए रॉक लियोन, टक्कर काफ़ी अच्छा था। और गाइस यहाँ पर बिल्ली बहुत ही इंजॉय कर रही है ये वाली बैटल जिसका आप देख रहे हो दोस्तों, इसे देखे गाइस काफ़ी मज़े से देख रही है बिल्ली इस बैटल को, लगता है कि बिल्ली को भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस बैटल में, काफ़ी इंजॉय कर रही है बैटल। वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई बैटल। वाह तो यहाँ पर हमारी एक ऑडियंस आ चुकी है बेबलेट बैटल को नज़ारा देखते, और यहाँ पर रॉक लियोन जीत चुका है बैटल में। तो चलो सब बढ़ते नेक्स्ट बैटल की तरफ। 3-2-1 लेट्स गो। तो बैटल में आ चुका है सेजिटेरियो, देखते कैसा होता है बैटल। अगर मैं इस टिप की बात करूँ तो ये टिप कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि जब हाई स्पीड होता है तब फ्लायर पेटल होना बहुत ही मुश्किल है इस वाले टिप को, जिसका आप देख दोस्तों हाई स्पीड में अच्छे से फ्लायर पेटल नहीं हो रहा था पर जब स्लो स्पीड में आ चुका है तो काफ़ी अच्छे से ठीक ठाक फ्लायर पेटल हो रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा फ्लायर पेटल पर, फिर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है पर फ्लायर पेटल इस टिप से होना बिल्कुल ही मुश्किल है क्योंकि टिप बहुत ज़्यादा वाइड है तो फ्लायर पेटल इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारी ऑडियंस स्टेडियम का चेकिंग करते हुए देख रही है कि हमारा स्टेडियम ठीक ठाक तो है ना, तो गाइस ये लगता है ये गाइस हमारा रेफरी है जो स्टेडियम को चेक कर रहा है नेक्स्ट बैटल के लिए, और लगता है ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चेक कर रहा है हमारे स्टेडियम को, देख रहा है कि हमारे नेक्स्ट बैटल के लिए स्टेडियम सही से ठीक ठाक है या नहीं। लगता है कि ठीक है, आई मीन ठीक ठाक है तो ये आगे बढ़ गए। तो चलिए हमारी बैटल कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैंने फ्लावर पेटल में लॉन्च किया है, स्टार्टिंग में ठीक ठाक फ्लावर पेटल हो जाता है पर गाइस हाई स्पीड की वजह से और टिप इतनी वाइड है कि ठीक से फ्लावर पेटल नहीं हो पाता है, तो ये एक डाउन साइड इस वाले टिप का। ओहो कभी कभार अच्छा सा मूवमेंट बना लेता है, मुझे लगता है कि जब स्लो स्पीड में होता है बस तभी फ्लावर पेटल होता है, बाकी हाई स्पीड में फ्लावर पेटल नहीं होता है इस वाले टिप से। तो गाइस मैं फ्लावर पेटल में लॉन्च कर रहा हूँ सारे इन बेबलेट्स को। देखते हैं कब होगी इनकी टक्कर, काफ़ी मूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सही, वाह क्या टक्कर तुम्हारा,
फायर ब्लेज ने, और यहाँ पर स्टेमिना ख़त्म होते हुए गैलेक्सी का तो यहाँ पर फिर से पेगासस की गैलेक्सी पेगासस की चाल। यहाँ पर फ्लायर पेटल इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक मान लेते। और गाइस यहाँ पर स्टेडियम में उसके टिप के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं जिस वजह से उसका थोड़ा इम्बेलेंस होना शुरू हो चुका है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे पॉइंट्स टूट चुके हैं और स्टेडियम में बिखरे हुए सारे पॉइंट्स, ये रहे गाइस सब टूट चुके हैं पॉइंट्स यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्बेलेंस हो गया है पर फिर भी हम इसी तरह से बैटल करेंगे। तो अब बैटल में आता है रेस स्ट्राइकर। अरे वाह, तो दोनों स्टेडियम आउट हो चुके लगते हैं, एक और बार फिर से करनी पड़ेगी इनकी बैटल जैसे आप देख रहे हो दोस्तों। अरे वाह, बच गया गाइस, बच गया। पेगासस ने बहुत ज़ोर से मारा रेस स्ट्राइकर को और बालाल बचा गाइस में जैसे आप देख रहे हो दोस्तों। अरे वाह, अरे भाई ये लगता है रेस स्ट्राइकर और गैलेक्सी की कोई जानी दुश्मनी है, अगले जन्म की टिकते नहीं मेटल में, जानी दुश्मन। पर फिर भी इनकी बैटल तो मैं करके रहूँगा। 3-2-1 लेट गो। अरे नहीं रेस स्ट्राइकर, अरे इस बार तुम दोनों अच्छे से बैटल करना, बाहर मत चले जाना। ओके ओके चले गए, आगे बढ़ते। ये लगता नहीं कि स्टेडियम टिकने वाले है। अरे वाह क्या टक्कर थी। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये वाली टिप। काफ़ी बढ़िया टक्कर। एक बात मानो तो गाइस इस टिप की वजह से अटैक पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है पर मोमेंटम और इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस वाली टिप के साथ। क्या टक्कर थी ज़बरदस्त। तो इस टिप का फ़ायदा यह है कि मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ देता है, उससे पावर भी काफ़ी बढ़ जाता है पर स्पीड पूरी ख़त्म ही कर देता है, टिकता ही नहीं है, आधा मिनट भी नहीं टिकता है। अब आ चुका पोजन सरपंच, देखते। अरे बार काफ़ी बढ़िया टक्कर, नाइस। अरे काफ़ी खतरनाक, अरे बाप रे क्या खतरनाक। अरे 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 इसने तो निकाल दिया, बार बार एल्ड्रो को जीत गया। तो अगर इस बार गैलेक्सी को बाहर निकाल दिया तो हम मान लेंगे कि एल्ड्रो को बेस्ट है। अरे वाह नाइस, लगता है वो लक ही था इसलिए बाहर निकल गया था पर लगता नहीं कि इस बार बाहर निकल पाएगा, पर शायद स्टेमिना में जीत जाए कुछ कह नहीं सकते, दोनों का स्टेमिना सेम टू सेम ही लग रहा है पर लगता है स्टेमिना में जीतने वाले लाइटनिंग एल्ड्रेगो। नहीं क्या यार, मुझे लगा था एल्ड्रेगो जीत जाएगा पर गैलेक्सी जीता। चले गए एक और बार 3-2-1 लेट्स। क्या टक्का मार, क्या मारा भाई लाइटनिंग ने, क्या मारा है। अरे वाह बदला बदला लिया गैलेक्सी ने, बदला लिया का खतरनाक मारा ये क्या ही मारा है, क्या बराज अटैक। जाओ गैलेक्सी तुम भी मारो, जाओ लाइटनिंग पूरी ताकत लगा के उड़ा दो बाहर। तो लगता है इस बार जीत जाएगी लाइटनिंग और इस बार लाइटनिंग बेबेट जीत चुके। और गाइस सब फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कि आपको ये टिप कैसे लगी। और गाइस मैं अपनी बात करूँ तो ये टिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी, खास लगी, काफ़ी पार बढ़ा देती पर स्टेमिना काफ़ी ख़त्म कर देता जल्दी जल्दी, तो स्टेमिना के मामले में बिल्कुल ही बुरा है पर अटैक के मामले काफ़ी अच्छा ये टिप।
और दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन जरूर कर देना ताकि आप ऐसे बैटल की वीडियो मिस ना करें। तो चल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ओहो ओवर काफी अच्छा टेक, काफी अच्छा टेक। ओहो बहुत गंदा टेक, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो भाई अरे यार, अरे भाई ये तो गाइस नहीं हो पाया। ओहो और ये गया, अरे ओहो और दो ये